सुनो बेटो को आज आले मेरा बच्चा आज मेरे सोना बेटो की तबीयत खराब हो गई है। हाँ हाँ मेरा बच्चा हाँ मेरा बेटा हाँ मेरा सोना बेटा कहाँ हो गया मेरे बेटो की तबीयत खराब है। सीरप सीरप चल चल हाँ चल दीदी लाई क्या है दीदी ढूंढो अपना टॉय खाना टॉय ढूंढो शीलो बंद कर दो ना तो जगह मिलेगा उसको। आओ। अच्छा आओ आओ। गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड फाइनली इस टाइम दिवाली पे मैं घर आ गई। आई नो बहुत टाइम से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला है बिकॉज लास्ट जो ब्लॉग मैंने डाला था उसके बाद मैंने कुछ बनाया ही नहीं। लंदन में जब मैं थी उसके बाद मैं दुबई आई एंड देन वहाँ से मैंने बेसिकली अपना आने के बाद 9:55 मॉर्निंग का डिपार्चर था मेरा फ्लाइट का, बट एक उससे पहले का था बिकॉज मैं जल्दी दुबई में आ गई थी। तो मैंने इसे अपना लक ट्राई किया कि क्या पता मुझे मिल जाए बिकॉज सारी फ्लाइट जो है बहुत ओवरबुक जा रही थी एंड ऑब्वियसली जब ओवरबुक फ्लाइट होती है तो उसमें जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो पैसेंजर्स को मिलती है बिकॉज दे आर पेइंग फुल फेयर एंड वी आर गेटिंग दिस डिस्काउंटेड टिकट्स दैट्स व्हाई। सो बेसिकली मैंने अपना अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर, अर्ली मॉर्निंग भी नहीं था, 9:55 AM का डिपार्चर था। मैंने जो फ्लाइट्स अपने मतलब जो फ्लाइट मैंने अपने लिए बुक की थी सारी फ्लाइट्स इस टाइम पे ओवरबुक जा रही हैं बिकॉज ऑब्वियसली दिवाली सीजन है, फेस्टिव सीजन है हम लोगों के लिए। तो जितनी भी फ्लाइट्स इंडिया के लिए आ रही हूँ वो ओवरबुक थी तो मुझे सीट मिलना ये थोड़ा सा कम चांसेस लग रहा था। तो एक और डिपार्चर होता है 4:20 पे तो मैंने सोचा कि वो वाले पे ट्राई करते हैं, वो भी ओवरबुक थी बट क्योंकि मैं जल्दी लैंड हो गई थी दुबई में तो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी लाइक यू नो इवन मेरे को था कि मैं क्यों वेस्ट करूँ, एटलीस्ट मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। सो मैंने अपना लक ट्राई किया एंड मैं गई। तो फ्लाइट से 30 मिनट्स पहले मुझे पता चला कि मतलब ऑब्वियस कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया फ्लाइट पे, ओवरबुक फ्लाइट थी, आई गेस किसी की डिले है या किसी ने कैंसिल किया कुछ भी किया, लक मेरा उस टाइम पे काम कर गया। इतने सारे बैग्स थे लेकिन मैं भागी, किसी तरह मैंने फ्लाइट कैच कर ली अपनी टाइम पे एंड बहुत ज़्यादा थक गए थे तो फ्लाइट पे भी मैं सोती रही एंड आके भी ऑब्वियसली मैंने अपना रेस्ट पूरा किया। मम्मी भी कह रही थी कि तू आराम से रेस्ट कर ले एंड नाउ टुडे आई एम मेकिंग दिस व्लॉग बिकॉज आई एम गोना स्टार्ट दिस न्यू डे विद न्यू व्लॉग। तो जैसे कि मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ आज के नए दिन स्टार्ट करेंगे एक नए व्लॉग के साथ एंड चपर चपर तो ज़रूरी थी क्योंकि अगर चपर चपर मैं नहीं करती तो आप लोगों को पता कैसे चलता कि मैंने क्या क्या चीज़ें घर आने के लिए फेस किया है। एंड यू नो वॉट, अगर बाई चांस मेरे को एक्सेप्ट नहीं करते फ्लाइट पर तो नॉर्मल फुल फेयर फ्लाइट जो थी नॉर्मल मैंने एयर इंडिया की चेक की 3,000 दिरहम। ओ माई गॉड, आई वॉज लाइक भगवान प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो वरना 3,000 दिरहम में मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मुझे को फ्लाइट पर नहीं वेस्ट करने थे बट लकीली मेरे को भगवान ने मतलब ऑब्वियसली हर बार की तरह इस बार भी मेरे को सेव किया, मेरे को फ्लाइट पर एक सीट मिल गई एंड मैं घर आ गई फाइनली। सो ये थी मेरी दुख भरी कहानी जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को सुना दी। छूट जाएगा क्या मेरी वजह से खराब हो गया? इधर तो देखो, हेलो कर दो, सब आपको देखना चाह रहे थे। ऑपरेशन के बाद आप दिख ही नहीं हो। हेलो, कैसी हो बता दो। अच्छी अच्छी हो कैसे? मेरे बहुत अच्छी हो। मेरे आने के बाद तो और हो गई होगी। हाँ। मेरे आने के बाद तो काम वाली ने भी आना छोड़ दिया। सोची कि काम वाली आ गई। जस्ट किडिंग। शीरा, शीरा की मम्मी ठंडी लग रही है, बारिश हुई है ना आज, वो हवा भी चल रही है। इधर देखो, आओ बाहर, अभी देखना कैसे करेगा। आ जाओ आ जाओ, मारूंगी। सोफे के नीचे घर बना के बैठे हुए हो। अच्छा अच्छा, हैंडशेक करो, हैंडशेक करो, हैंडशेक करो। ऑले मेरा बच्चा, इधर है बिट्टू हाथ। बना
अपने पूछ का बहुत हो रहा था। अब हुआ वो भी शुरू। अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं बाहर, बट बाहर एकदम बारिश का मौसम हो रखा है। और दूसरी चीज़ है, क्योंकि कल धनतेरस है तो हमें कुछ सामान लेना है। मतलब ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि क्या मम्मी ने कहीं लिस्ट रेडी करके रखी है। सो हम लोग सोच रहे हैं पहले ही जाके ले आए, क्योंकि बारिश भी अगर शुरू हो गई देन फिर नहीं आ पाएंगे वो सारा सामान। एनी हो रखा है बाहर का मौसम, चलो इससे पहले बारिश हो जाए। तो अभी बाहर मैं और मम्मी जाने से पापा रहेंगे घर पे, क्योंकि इतने पटाखे बज रहे हैं, इतने जब से मतलब ये दिवाली का थोड़ा सा मतलब ये चीज़ शुरू हुई है ना, तब से घर में जब भी कोई जाता है बाहर तो एक इंसान रहता है शुरू के लिए, बिकॉज पटाखे की आवाज़ उसके कान में बहुत तेज़ से लगती है। जैसे सोया हुआ है हीरो, मेरा बेटू सुना बेटू निन्नू आ लिए। बाहर एकदम बादल गरज रहे हैं। हाँ मेरी प्यारी मम्मी रेडी हो रखी है। आप क्या कर रहे हो? बिग बॉस ही देखते रहे ना। उसका टॉय लेके बैठे हुए हो शीरो। सो अभी हम लोग कर रहे हैं अपनी दिवाली डेकोरेट, बोल रही थी हम लोग कर रहे हैं अपनी बालकनी डेकोरेट फॉर दिवाली। एंड ऑब्वियसली दिवाली आने में कितने दिन बचे हैं मम्मी, चार या तीन? तीन दिन। सो तीन दिन बचे हैं दिवाली आने में। सो वी थॉट कि लड़ियां लगा लें दिवाली से पहले पहले। इधर देखो मम्मी, मम्मी लड़ियां लगा रही है और शीरो देख रहा है हो क्या रहा है इधर। पापा आप क्या करोगे? मैं प्लग लगा दूंगा। प्लग लगा के पटाखा लगाओ, मम्मी कह रही है। अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लड़ियां लगाएंगे, इसको देखते आओ, देखो देखो कैसे लगता है, इसको इसमें डालते हैं। अली वाह। सो काफ़ी सारा डेकोरेशन का सामान तो मैं दुबई से ही लेकर आई हूँ, लाइक ये कैंडल्स वगैरह हैं एंड देन लाइट्स वगैरह, क्योंकि मतलब मैं वहाँ पे भी यूज़ करती हूँ और मेरे को काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा ले लेती थी घर के लिए भी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने लिया। एंड ये गेंदे का फूल का जो आर्टिफिशियल गेंदे का फूल होता है ना, ये भी लेकर आई मैं, मतलब ये यहीं से लिया है, ऑब्वियसली वहाँ से ला के कोई फ़ायदा नहीं है, कल लेकर आए। आगे से भी झलक दिखाओ ना। आगे से कहाँ से झलक दिख जाएगी? इधर वहाँ लटक के दिखाऊंगी क्या? हाँ देखो हमारे घर की रौनक, देखो कैसे लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा। ये सीमिंग लाइट्स बहुत प्यारी लग रही हैं मम्मी। और भी कुछ लगा देते हैं ना, तो अभी हम लोग सजा रहे हैं अपना मेन गेट दिवाली पे। हम अपना मेन गेट ऑलमोस्ट सभी सजाते हैं, क्योंकि सबने सजा लिया है, हमने ये सजाया नहीं है। सो वी थॉट लेट्स जस्ट डेकोरेट दिस। मंदिर की साइड में लगाने के लिए। अंदर से कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लाइट लगाते हैं ना जो अच्छा पापा लाइट पास करो किसको बंद करो वो लाइट वाला इस बार वाला जो लाई हूँ वो व्हाइट में सेम टू सेम नहीं है ये क्या तीन क्या होता है फूल देना मम्मी जरा ये वाला फूल शीरो के गले में लगाती हूँ ये लेके आगे जाओ आगे वाले रूम में जाओ ये वाला लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ इधर नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं छोड़ो इसको देखना मम्मी मुंह में कैसे लिया है इधर आओ चलो इधर आओ चलो इधर आओ इधर आओ जल्दी आ 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 कहाँ रुको गेट से जाना है आ जाओ चलो आओ आओ इधर आओ इधर रख दो इधर रख दो बस सबकी दिवाली हमारी भी है